Good morning, students. Today I'm going to start damped harmonic motion. हमने अभी तक finding of time period पढ़ा और उससे पहले finding of phase, the relation between the phase and time interval between traveling to phase. ये चीजें हम study कर चुके हैं superimposition, 2SHM. ये बातें हम पढ़ चुके हैं. इसमें एक ये टॉपिक बचा हुआ है सिंपल डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन. इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है फर्स्ट हार्मोनिक मोशन, जो इसी का ही एक पोर्शन है. क्लियर? ये टॉपिक जेई एडवांस में नहीं आता है, ये सिर्फ जेई नीट और जेई मेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. क्लियर? इसमें क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इसमें क्वेश्चन आते हैं. आपको थ्योरी भी समझनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने फेस किए हैं कि वो थ्योरी पर भी बेस्ड होकर आते हैं. मतलब एक फिजिकल अरेंजमेंट दे देगा आपसे, क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाएगा कि क्या आप इस आर्टिकल का फिजिकलिटी में इंटर रिलेशन करना जानते हैं, कि रियलिटी में ये थ्योरी किस तरीके से अप्लाई होती है. इस पॉइंट पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मैं आपको बताने जा रहा हूं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन. क्लियर? इसमें क्या होता है, हमने अभी तक SHM पढ़ा है. क्लियर? SHM रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे कि मैं बोलता हूँ सिंपल पेंडुलम, अगर सिंपल पेंडुलम को रियलिटी में लेबोरेटरी में मैं वर्क कराता हूँ, लेबोरेटरी में क्या होता है, एयर होता है. अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो ये देखा जाता है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो रुक जाएगा, अपनी मेन पोजिशन पे आ जाएगा. क्लियर? लेकिन हमने ये पढ़ा है कि SHM में क्या होता है, अगर एक बार आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो इनफाइनाइट टाइम के लिए पार्टिकल SHM करता रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा. ये हमने SHM में पढ़ा है. क्लियर? लेकिन रियलिटी में जब ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, ये आपने भी देखा होगा अगर आप लेबोरेटरी में जाएंगे और सिंपल पेंडुलम को लेंगे, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप ये पाएंगे, लेट मी एडजस्ट माई माइक, आप ये पाएंगे कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसके ऑसिलेशन रुक जाते हैं. धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, आप बोलोगे कि अब ये रुक चुका है. इसको हम कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन. इस टाइप के एग्जाम्पल रियलिटी में बहुत सारे देखने को मिलते हैं. जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की. यदि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया जाता है और उसको भी वाइब्रेट कराया जाता है, मान लेते हैं कि उसको मैंने वैक्यूम में वाइब्रेट कराया, तो वो इनफिनाइट समय के लिए जिसकी एक SHM शो करेगा, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी रूट एम अपॉन के, सॉरी के बाई एम, रूट के बाई एम. क्लियर? ये एंगुलर वेलोसिटी होगी. लेकिन यदि ये एक्सपेरिमेंट आप लेबोरेटरी में कराते हैं तो लेबोरेटरी में कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद इसके ऑसिलेशन सीज हो जाते हैं. क्लियर? ये रुक जाता है. धीरे धीरे आप ये फील करते हैं कि उसके एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होते जाता है. ये होता है. क्लियर? तो ये जो मैं आपको फिजिकल अरेंजमेंट बता रहा हूं, इन अरेंजमेंट में जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, जिसमें एयर एग्जिस्ट करती है, एयर की जगह मैं दोनों ही केस में पानी भी ले सकता हूँ, समझे ना, एयर की जगह में पानी, यानी स्विमिंग पूल के अंदर ले जाके मैं वाइब्रेट कराता हूँ, ऑसिलेट कराता हूँ सिंपल पेंडुलम को या स्प्रिंग लॉक सिस्टम को, समझे. तो कुल मिला के एक फ्लूड एग्जिस्ट करेगा सिस्टम में जो ड्रैग फिनोमेना देगा, समझे ना. ड्रैग फिनोमेना हम पहले भी पढ़ चुके हैं. यदि कोई पार्टिकल किसी फ्लूड में रिलेटिव वेलोसिटी रखता है, फ्लूड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी रखता है, समझे, तो हमेशा बॉडी पर बॉडी की वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स रखता है, जिसका नाम होता है ड्रैग फोर्स. ये ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होता है. ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में भी स्टडी किया था. क्लियर? ड्रैग फिनोमेना हमारे लिए पहली बार नहीं है कि हम पहली बार इसको स्टडी कर रहे हैं. तो इस ड्रैग फिनोमेना की वजह से दोनों ही SHM में जब ड्रैग एजेंट एग्जिस्ट करने लगता है तो SHM का नाम हो जाता है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, और धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड कम होने लगते हैं, डिके होने लगते हैं. एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आप ये पाते हैं कि पार्टिकल रुक चुका है. यही फिनोमेना हम यहाँ अच्छे से स्टडी करने जा रहे हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन. अगर सिर्फ SHM की बात किया जाए, मैंने इस फिनोमेना के लिए अरेंजमेंट ये लिया है के एम वाटर ड्रैग एजेंट, इसमें वाटर है ड्रैग एजेंट. क्लियर? फॉर SHM वी नो F is equal to minus kx. ये SHM के लिए fundamental equation होती है F net की. यदि मैं अब SHM में कोई drag agent exist करने लगता है, एक drag agent
एग्जिस्ट कराने लगता हूं एसएचएम में, तो क्या होता है, एफ नेट में एक पोर्शन फोर्स का और ऐड हो जाता है जिसका नाम होता है ड्रैग फोर्स। मैंने अभी बोला आपको कि ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के निगेटिव के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां भी एक कॉन्स्टेंट है, समझे ना, इसका नाम होता है ड्रैग कॉन्स्टेंट। तो मैं यहां स्पेसिफाई कर देता हूं, व्हाट इज बी, बी इज ड्रैग कॉन्स्टेंट, बी इज ड्रैग कॉन्स्टेंट, यहां भी ड्रैग कॉन्स्टेंट है, के आप जानते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट है। तो यदि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको क्या लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं तो आएगा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी बिकॉज इट इज वेलोसिटी। नाउ आई विल टेक ऑल दिस टू पॉइंट्स हेयर, दिस टर्म्स विल कम हेयर एंड इन पॉजिटिव, क्लियर। नाउ दिस इक्वेशन विल बी रिटन इन दिस वे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम टू एक्स बराबर जीरो। इस इक्वेशन को बोला जाता है मैथमेटिक्स के टर्म में डबल ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, नीट के अगर मैं प्रीपेक्स से देखूं, जो मेंस के प्रीपेक्स से देखूं, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके भी सिलेबस में ये इक्वेशन सॉल्विंग नहीं है, क्लियर। हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को ही सॉल्व करते हैं, जेई एडवांस और जेई नीट मेन की अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स में, तो बेटा ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं डायरेक्ट आपको इसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो बताऊंगा, उनकी डिपेंडेंसी बताऊंगा। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं कुछ बातों पर, कुछ पॉइंट्स पर। वो पॉइंट्स क्या है कि एम बी के, समझे ना, एम बी के की वैल्यू कितनी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, क्लियर। ओके, ये देखा जाता है कि एम बी के की कुछ फिक्स वैल्यू पर ही ये इक्वेशन ऑसिलेटरी मोशन दर्शाती है, अदरवाइज ये इक्वेशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं दर्शाती है, समझे। तो हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को एक नाम दिया हुआ है जब ये ऑसिलेटरी इक्वेशन दर्शाती है। बता रहा हूं मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि वी जस्ट रिमेंबर इट्स सॉल्यूशन, मतलब हम याद कर लेंगे इसके सॉल्यूशन, हम याद कर लेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन थ्री डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी एम के, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बी एम के पे डिपेंड करते हैं। किस तरीके से डिपेंड करते हैं, दिस डिपेंडेंसी इज, कैसे डिपेंड करते हैं, देखो यहां मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, एक एसएचएम और एसएचएम के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, यहां हम जानते हैं कि ओमेगा नॉट क्या होता है एसएचएम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो है रूट के बाई एम, और एक कांस्टेंट यहां माना जाता है गामा बराबर ये के बाई एम है, यहां के बाई टू एम को एक दूसरा कॉन्स्टेंट माना जाता है, समझे ना, K by m, K भी एक constant है, mass भी एक constant है, तो K by 2m को एक दूसरा नाम constant का दिया जाता है, इस constant का नाम होता है damping coefficient। ये angular frequency, fundamental angular frequency है SHM की, pure SHM की। अगर ये ज्यादा है तो मैं ये बोलूंगा कि इस अरेंजमेंट में एसएचएम होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। दूसरी बात, गामा डैम्पिंग कोफिशिएंट, के बाय टू एम, सॉरी इट इज नॉट के, इट इज बी, बी बाय टू एम, इट इज नॉट के, इट इज बी बाय टू एम, ये बी बाय टू एम, दिस इज के, ओमेगा नॉट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये है ड्रैग कॉन्स्टेंट बी बाय टू एम। तो यहां जो गामा है, ये गामा मुझे स्ट्रेंथ बताता है कि ये जो ड्रैग एजेंट है, ये ड्रैग एजेंट अपना कितना इफेक्टिवली इफेक्ट दे रहा है एसएचएम को। अगर गामा ज्यादा है तो इसका मतलब ड्रैग एजेंट का इफेक्ट ज्यादा है, उसकी प्रेजेंस का इफेक्ट ज्यादा है। वो ड्रैग एजेंट क्या कर रहा है, ड्रैग एजेंट एसएचएम की एनर्जी को लूज कर रहा है, समझे ना, एसएचएम की एनर्जी को डिसिपिटेट कर रहा है, एक तरीके से ये बोला जा सकता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन टाइप की फिनोमेना दे रहा है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा एसएचएम के पार्टिकल को, कुछ वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अपोज में, क्लियर। ड्रैग फ्रिक्शन टाइप की फिनोमेना होती है, क्लियर। तो अगर गामा ज्यादा है का मतलब ड्रैग एजेंट की इफेक्टिवनेस ज्यादा है, उसकी प्रेजेंस की जो इफेक्टिव है, जो वो करना चाहता है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्लियर। वो क्या करना चाहता है कि एसएचएम जल्दी से रुके। इसका मतलब यदि गामा ज्यादा होगा तो एसएचएम की एनर्जी लॉस जल्दी से होगी,
ओमेगा ज्यादा होगा तो एसएचएम में एसएचएम की प्रवृत्ति, अरेंजमेंट में एसएचएम की प्रवृत्ति बड़ी होगी। समझ में आई बात? एसएचएम क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। गामा क्या चाहता है? उन ऑसिलेशन को रोकना चाहता है, ये मैं बोल सकता हूं। तो इन दोनों में अगर ओमेगा नॉट बड़ा है गामा से, तो आपको क्या लगता है रिजल्टेंट मोशन कैसा आना चाहिए इस पार्टिकल का? इस पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन कैसा आना चाहिए? ऑसिलेटरी मोशन आना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिवनेस किसकी ज्यादा है? कौन ज्यादा इफेक्टिव है? एसएचएम ज्यादा इफेक्टिव है। और एसएचएम यदि ज्यादा इफेक्टिव है तो बेटा हम ये कहेंगे कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो ऑसिलेटरी मोशन को दर्शाएगा, और वो सॉल्यूशन आता है एक्स बराबर ए नॉट ई टू दी पावर माइनस गामा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो सॉल्यूशन ये आता है। आपको ये याद रखना है, क्लियर? सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा इस फॉर्म में ही आते हैं, ए नॉट ई टू दी पावर माइनस गामा टी। ये आप नहीं जानते, हायर स्टडी अगर आप करोगे मैथमेटिक्स में तो आपको पता चलेगा इसी टाइप की ये कैसे सॉल्व होती है, वहां भी पता चलेगा आपको। अगर आप अच्छी बुक में जाएंगे, हायर स्टडी में जाएंगे, इंजीनियरिंग की अगर फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक देखेंगे तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, हम वहां तक नहीं जाएंगे, क्लियर? अब ये जो लिखा हुआ है ओमेगा नॉट ग्रेटर देन गामा, मैंने तो बोला हुआ है कि इस इक्वेशन की डिपेंडेंसी एम बी के पे डिपेंड करती है, मैंने यहाँ ओमेगा नॉट गामा लिख दिया। बेटा ओमेगा नॉट के और एम ही तो है, तो यदि आप इसको देखना चाहते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है देखो उधर से के बाई एम का रूट, इसको फर्स्ट पॉइंट दे देता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट है के बाई एम का रूट ग्रेटर देन गामा। गामा कितना है? बी बाय टू एम। तो मैंने वैल्यूज पुट किया, अब इस इनक्वालिटी को अगर मैं सोल्व करता हूं, ये इनक्वालिटी क्या दर्शाएगी? स्क्वायर कर देते हैं, इधर आएगा के बाई एम, इधर आएगा बी स्क्वायर बाई फोर एम, एक एम एम स्क्वायर तो एम से एम जाएगा, और इधर आएगा फोर एम, फोर एम के, तो हम लिखेंगे फोर एम के माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। सही किया मैंने, बी स्क्वायर बाई फोर एम स्क्वायर, एम से एम जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4m, 4m इधर जाएगा, b इधर आ जाएगा, तो ये आएगा। यानी यदि आपको बोला जाए 4mk माइनस b, इस बात का मतलब भी यही होगा ओमेगा नॉट ग्रेटर देन गामा। और इस स्टेट में सॉल्यूशन क्या आते हैं? ये सॉल्यूशन आते हैं, और इसका नाम क्या होता है? अंडर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, सॉरी अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन बोलना चाहिए मेरे को, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। आपको लगा होगा कि मैंने यहां हार्मोनिक क्यों हटा दिया, वो हार्मोनिक भी लिख सकते हैं आप, समझे ना, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी हार्मोनिक मोशन वो भी लिख सकते हैं आप। हार्मोनिक शब्द सिर्फ मेरे को ये बताता है कि ये जो मोशन होगा, यदि ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तब इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो लयबद्ध होना चाहिए, समझे ना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो जर्क की फॉर्म में हो रहा है, तीक्ष्ण चेंज आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें, समझे ना, शार्प चेंजेस नहीं आने चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए, और वो होता है, समझे, मैं शो करूंगा आपको, बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हार्मोनिक शब्द भी लिखना गलत नहीं था, यहाँ नाम ये होता है अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, क्लियर? अब इसके बाद मुझे इधर से रब करना पड़ेगा, ये फर्स्ट कंडीशन आएगी, सेकंड कंडीशन में सोचो क्या आएगा। जैसे ये फर्स्ट कंडीशन आई, मैंने बोला कि इफेक्टिवनेस ओमेगा नॉट की बड़ी है, यदि इफेक्टिवनेस इस बार सेकंड केस में मैं कहता हूं गामा की बड़ी हो जाती है ओमेगा नॉट से, तो इस स्टेट में जो सॉल्यूशन आते हैं वो सॉल्यूशन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन नहीं आते हैं, और उन सॉल्यूशन से मुझे मतलब भी कोई नहीं है। इस इक्वेशन पे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए जस्ट कि ये स्टेट होगी तो सॉल्यूशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं आएंगे, इसका नाम होता है ओवर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, नो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन।
कोई ऑसिलेटरी सॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा। क्लियर? थर्ड, थर्ड क्या होगा, गामा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और इसका नाम होता है क्रिटिकल डैम्पिंग। अच्छा, आप यहां से अगर इस इक्वेशन को लिखोगे तो क्या आएगा, ये साइन निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो इस कंडीशन को भी एमकेबी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस कंडीशन को भी एमकेबी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका नाम होता है क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। समझ में आई कहानी बच्चों? क्लियर? ये भी क्या होता है, नो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन, इसमें भी कोई ऑसिलेटरी सॉल्यूशन नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे इस इक्वेशन पर, ये इक्वेशन क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन प्रदर्शित करती है तो इस ऑसिलेटरी मोशन पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम लिखेंगे ग्राफ ऑफ दीज मोशंस। ये जो हमने अभी तीन केस पढ़े, इन तीस दीज ग्राफ ऑफ दीज थ्री केसेस, इन तीन केसेस को अगर मैं यहां ग्राफ में डिपिक्ट करना चाहता हूं तो वो किस प्रकार से आएगा, देखें। यहां से एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होता जाएगा आगे तक, और ये अगर आप एम्पलीट्यूड के शीर्ष को मिलाओगे सभी को तो ये जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी एक्सपोनेंशियल। देखो ये इक्वेशन क्या दर्शाती है, x बराबर a नॉट e टू द पावर माइनस गामा t साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये दर्शाती है। इस इक्वेशन में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक साइनसोइडल फंक्शन है। साइनसोइडल फंक्शन ऑसिलेटरी मोशन को दर्शाता है, ऑसिलेशन होंगे किसमें, y में, देखो हो रहे हैं ऑसिलेशन। अब वो ऑसिलेशन किसके बीच होंगे, हमेशा a e टू द पावर माइनस गामा t लाइन के बीच में होंगे। जैसे इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं आपको कह देता हूं कि y बराबर a sin omega t लिखा हुआ है, a sin omega t। आप इसको कैसे प्रदर्शित करते हो, इसको आप ऐसे प्रदर्शित करते हो, जस्ट एग्जांपल ऐसे प्रदर्शित करते हो। आप ये कहोगे कि y जो ऑसिलेट कर रहा है वो ऑसिलेशन किसकी वजह से हो रहे हैं, इस फंक्शन की वजह से, साइनसोइडल फंक्शन की वजह से, और किसके बीच हो रहे हैं, प्लस ए माइनस ए की, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस वन, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, प्लस ए। साइन ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, तो वाई की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए। तो मैं ये बोलूंगा कि इस इक्वेशन को यदि मैं डिपिक्ट करना चाहता हूं तो वाई ऑसिलेट करेगा प्लस ए से माइनस ए के बीच में। क्लियर? ये एक कॉन्स्टेंट है तो हमेशा एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहेगा, नीचे ऊपर समझना कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए ये इक्वेशन आती है, ये ग्राफ आता है इस इक्वेशन का। यदि ये भी टाइम पे डिपेंड करने लगे, जैसे इसमें कर रहा है, ये ना जो बाहर है x साइन के बाहर है, आपसे बोला जाए कि बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे जब ये साइन मैक्सिमम होगा प्लस वन तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी प्लस ए नॉट ई टू द पावर माइनस गामा टी। क्लियर? अब ये मैक्सिमम कब कब होता है आपको पता है, जब ये पूरी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय टू फिक्स, टू प्लस टू पाई प्लस पाई बाय टू, ये समझे ना, 90 पे होती है, फिर 270 पे निगेटिव होती है, जानते हो ना ये चीज। तो उसी प्रकार से आप ये लिख सकते हो कि ये मैक्सिमम होगा। अब हम ये कहेंगे कि एक्स इस वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता है, प्लस माइनस वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता है, और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ ए टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, ये कॉन्स्टेंट थी ये हाइट, यहाँ ये हाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स की फंक्शन की फॉर्म में कम होती जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी, अगर नीचे से भी देखता हूं तो वो भी ऐसे कम होती जाएगी, और समय बीतने के साथ वो जीरो हो जाएगी इनफिनिट समय के बाद। क्लियर? तो कुल मिला के इस इक्वेशन का डिपिक्टेशन इस प्रकार से आएगा, हम इस इक्वेशन को ऐसे डिपिक्ट करेंगे। अब बात करते हैं किसकी, ओवर डैम्पिंग की। ओवर डैम्पिंग क्या होता है, गामा नॉट ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, यानी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कौन, ड्रैग एजेंट। तो इसका मतलब बहुत तेजी से ये एम्पलीट्यूड, ये क्या है,
आपने पार्टिकल को आगे खींचा मीन पोजीशन से और छोड़ दिया, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया आपने ए नोट मीन पोजीशन से टी बराबर जीरो पर। यहां से अगर पार्टिकल को छोड़ते हो और ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो आपको ये मिलेगा, बहुत तेजी से ए घटते घटते जीरो की ओर अग्रसर होगा। और यदि ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो इन दोनों के बीच में ए नॉट थोड़ा धीरे धीरे कम होगा, और यहां कहीं जाके कम होगा। यानी ये केस, ये वाला कर्व किसका है, ये जो कर्व है ये किसका कर्व है, अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग। और ये कर्व किसका है, क्रिटिकल डैम्पिंग। और इसमें ड्रैग एजेंट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी प्रेजेंस का इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुत तेजी से वाई कम होगा और जीरो हो जाएगा। तो ये कौन है, ओवर डैम्पिंग। आई बच्चों बात समझ में, क्लियर। ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा, समय बढ़ते बढ़ते ये कम हो जाएगा। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था। जो एक टाइप की इक्वेशन इसमें आते हैं वो आते हैं एम्पलीट्यूड पर। बोला जाएगा आपको एक पार्टिकल का इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नोट है, बताओ टी सेकेंड के बाद यदि उसका गामा इतना है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसमें आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। वो गामा आपको कैलकुलेट करने के लिए बी की वैल्यू देगा, एम की वैल्यू देगा। एक इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है क्वालिटी फैक्टर, जिसपे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, देखो क्वालिटी फैक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको डैम्पिंग अरेंजमेंट की क्वालिटी दर्शाती है। क्वालिटी किस लिए, ऑसिलेशन के लिए। कोई डैम्पिंग अरेंजमेंट अगर ज्यादा ऑसिलेशन की प्रवृत्ति रखता है, मतलब वो ऑसिलेशन करना चाहता है, उसमें ऑसिलेशन यानी एसएचएम की प्रवृत्ति ज्यादा है, एसएचएम जब ज्यादा इफेक्टिव है तो उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। इस बात का क्या मतलब है, उसका क्यों फैक्टर बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि यदि मैं तीन केसेस लेता हूं, ध्यान से सुनना, तीन केसेस ले रहा हूं मैं। एक केस क्या है कि स्प्रिंग ब्लॉक को मैं रख देता हूं बालू में, समझे ना, रेत में रख देता हूं, रेत जानते हो ना आप, सैंड, उसमें रख देता हूं। दूसरा, स्प्रिंग ब्लॉक को मैं दूसरी बार पानी में रख देता हूं, हैंग करता हूं ब्लॉक को पानी में, स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट को। और तीसरी बार में स्प्रिंग ब्लॉक को रखता हूं एयर में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रखता हूं एयर में। अब तीनों ही अपनी मीन पोजीशन पे हैं, अब तीनों ही मीन पोजीशन से मैं एक्सपेंड कर देता हूं ए और छोड़ देता हूं, आपको क्या लगता है क्या होगा। सबसे पहले वाले केस में जिसमें सैंड है, उसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा ब्लॉक ऊपर जाएगा, आपको क्या लगता है, ऑसिलेशन होंगे, ऐसा लगता है आपको। जैसे ही आप ब्लॉक को छोड़ोगे वहां से ये एक कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आपने दिया, जो उसको खींचा था नीचे, वो ऊपर की ओर जाएगा, यानी मीन पोजीशन से उसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी और पार्टिकल आके रुक जाएगा, ये होगा, समझे, ऐसा होगा। उसमें दूसरा केस जिसमें पानी रखा हुआ, उसमें यदि आप ए नीचे खींचकर ब्लॉक को छोड़ते हैं तो बेटा ब्लॉक ऊपर जाएगा, अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और वो ऑसिलेटरी मोशन दर्शाएगा। यानी वो किस केस में आएगा, वो आएगा अंडर डैम्पिंग वाले केस में। अब मैं यहाँ एयर की बात करता हूँ, एयर वाले केस में यदि मैं ए डिस्टेंस ले जाके छोड़ देता हूँ तो वो भी क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ये ऑसिलेटरी मोशन और पानी वाले ऑसिलेटरी मोशन में आपको क्या लगता है कि पहले कौन रुकेगा, पानी वाला, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका ड्रैग एजेंट, जो ड्रैग एजेंट है उसकी प्रेजेंस का इफेक्ट ज्यादा है। यहाँ भी ड्रैग एजेंट है, यहाँ भी, यहाँ एयर है, उसका प्रेजेंस का इफेक्ट यानी ड्रैग फिनोमेना ये ज्यादा नहीं दे पा रहा है, ये ज्यादा दे पा रहा है। पानी वाले केस में ड्रैग फिनोमेना ज्यादा होगी, तो इसलिए पानी वाले केस में ब्लॉक जल्दी रुकेगा एयर के रेस्पेक्ट में,
क्लियर। तो मैं ये बोलूंगा कि क्वालिटी फैक्टर सबसे बढ़िया किसका है, सबसे ज्यादा क्वालिटी फैक्टर किसका है, एयर वाले केस का, फिर उससे कम किसका है, पानी वाले केस का, और सबसे खराब यानी क्यू फैक्टर सबसे कम किसका है, सैंड वाले केस का, क्योंकि उसमें ऑसिलेटरी मोशन हो ही नहीं रहा, समझ में आई बात। तो ये क्वालिटी फैक्टर है। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि वो आपको फिनोमिना दे देगा, दो रिलेटिव बोल देगा कि यहाँ एक स्फेयर है और यहाँ एक सिलेंडर है, दोनों को पानी में ऑसिलेशन कराया जा रहा है, बताइए कि क्वालिटी फैक्टर किसका बढ़िया है। इस प्रकार से क्वेश्चन, ये मैं बोलूंगा आपको, क्वेश्चन दूंगा बाद में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या है क्वालिटी फैक्टर, ये हम यहाँ लिख देते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इसकी, इट इज द 2 पाई टाइम्स द रेशियो ऑफ, इट इज 2 पाई टाइम्स द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन वन साइकिल टू द एनर्जी लॉस्ट इन वन साइकिल ऑफ द गिवन ऑसिलेटरी डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया क्या बोला मैंने, इट इज द 2 पाई टाइम्स द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वन साइकिल अपॉन एनर्जी लॉस्ट इन वन साइकिल, ये होता है क्यू फैक्टर की डेफिनेशन, ये बेसिक डेफिनेशन है। क्लियर, तो हम लिख देते हैं यहां एनर्जी स्टोर्ड इन वन साइकिल पर साइकिल और एनर्जी लॉस्ट इन वन साइकिल पर साइकिल, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। यदि इस डेफिनेशन को इन इक्वेशंस पर, समझे ना, ऑसिलेटरी इक्वेशंस पर, इस ऑसिलेटरी सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जाए, समझे, वो एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर रहा है, वो इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक्स है, टीडीएस, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन आता है ओमेगा अपॉन 2 गामा, ये सॉल्यूशन आता है। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे कि ये एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, यहां ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर, गामा ये, ओमेगा क्या है, और ये वाला ओमेगा जो हमने लिखा था ओमेगा नॉट, वो क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। क्लियर, इस ओमेगा की वैल्यू होती क्या है, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, ये जो ओमेगा होता है ये क्या होता है, ये ओमेगा होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। यहाँ ये जो ओमेगा आएगा, ये ओमेगा एक्चुअल में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आएगा, इनसे हम पहले से ही परिचित हैं। ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, ये क्या है, डैम्पिंग कॉफिशियंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। क्लियर, ये रिजल्टिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी। अब क्वालिटी फैक्टर में आएगा गामा अपॉन ओमेगा अपॉन 2 गामा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि रेत वाले केस की बात किया जाए तो उसमें गामा सबसे बड़ा है तो क्यू सबसे छोटा आएगा, आई बात समझ में। इन जनरल ये देखा जाता है अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में, इन जनरल इन ऑसिलेटरी अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन गामा। अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में ज्यादातर, जैसे एयर वाला केस था तो उसमें एयर ड्रैग एजेंट ऐसा एजेंट है जिसके लिए गामा बहुत छोटा है यदि ओमेगा नॉट के साथ कंपैरिजन किया जाए, समझे। इस टाइप के केसेस में आप ये बोल सकते हैं कि ओमेगा नॉट बहुत बड़ा होगा गामा से, और इस इनइक्वालिटी की वजह से ये ओमेगा हम अप्रोक्सीमेशन यूज करके ऑलमोस्ट इक्वल कर सकते हैं ओमेगा नॉट के। हम लिख सकते हैं कि यहां इस इक्वेशन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस
गामा स्क्वायर रूट में ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा जीरो, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ गामा नॉट इज ग्रेटर देन गामा, ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन गामा। ये इनक्वालिटी अगर मैं इसमें यूज करता हूं तो ये ओमेगा आ जाता है ऑलमोस्ट ओमेगा नॉट के बराबर, और उन केसेस में जो क्वालिटी फैक्टर दिया जाता है वो दिया जाता है ओमेगा नॉट अपॉन टू गामा, समझे? मतलब पानी के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो, समझे? पानी के लिए भी आप ये बात यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से दूर आएगी, आप उसके भी आंसर दे सकते हो, क्लियर? क्योंकि ये ओमेगा नॉट किस पे डिपेंड करता है, आपके स्प्रिंग और मास पे डिपेंड करता है, वो अरेंजमेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप स्प्रिंग कितना ज्यादा स्टिफनेस वाला ले रहे हो या मास कितना ज्यादा कम ले रहे हो, तो ये उतना ज्यादा बड़ा जाएगा, क्योंकि ये रूट क्या है, ये ओमेगा नॉट है रूट के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा के बाई एम, यानी अगर के बड़ा लेते हो तो ओमेगा नॉट बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप क्वालिटी फैक्टर को ये लिख सकते हो, समझ में आई बात क्या बताया मैंने? अब इसको ओमेगा नॉट क्या होता है, ओमेगा नॉट होता है रूट के बाई एम, इसको थोड़ा और सोल्व कर देता हूं मैं, रूट के बाई एम इंटू टू, गामा क्या होता है बी अपॉन टू एम, तो यहां से टू गया, ये आएगा क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा क्यू बराबर, इसको सोल्व करने के बाद टू से टू गया एम यहां आ जाएगा के एम बाय बी, ये क्वालिटी फैक्टर भी लोग याद रखते हैं। तो आपको तीन बातें पता चली क्वालिटी फैक्टर के बारे में, ओमेगा अपॉन टू गामा, ओमेगा नॉट अपॉन टू गामा, और क्यू बराबर रूट के भाई एम, ये सी की फॉर्म है, इसी को सोल्व करके ये आता है, समझे? तो बेटा ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आपको जितने भी टाइप के केसेस में संभव है वो मैंने आपको बता दिए। अब कुछ थ्योरेटिकल बातें आपके साथ में कर लेता हूँ। जैसे आप मुझे ये बताओ, मैं कहता हूं कि आपको एक बार मैंने हटा देता हूं इसको पहले, फिर एग्जाम्पल करते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि इस सेगमेंट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो जैसे मैंने बोला दो केस आपको दिए जाते हैं, एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट केस वो बोलेगा कि ये एक डिस्क है, समझे ना, और ये डिस्क किस प्रकार से है, ये डिस्क इस प्रकार से अटैच है, ऐसे स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, डिस्क का मास एम मास की आर रेडियस की डिस्क है। अब क्या किया मैंने, दूसरा केस लेता हूं, दूसरे केस में रेडियस भी सेम, और इस बार लेता हूं मैं स्फेयर, ये है एम मास रेडियस आर सॉलिड स्फेयर, क्लियर? इन दोनों को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है एयर में, बाहर कौन है, एयर, एयर ड्रैग एजेंट दोनों में सेम है, दोनों को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है, इसकी लेंथ भी एल, इसका मास सेम, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, दोनों को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है। आपको बताना है, बताइए कौन पहले सीज हो जाएगा, इन दोनों को अगर डिस्प्लेस करके मेन पोजिशन से छोड़ दिया जाए तो ज्यादा देर तक कौन एसएचएम करेगा, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन कौन ज्यादा करेगा, ऑसिलेशन ज्यादा देर में तक किस में होंगे, ज्यादा देर तक किस में होंगे? तो दूसरे शब्दों में मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, क्वालिटी फैक्टर किसका बड़ा होगा, जिसका क्वालिटी फैक्टर बड़ा होगा वो ज्यादा देर तक एसएचएम शो, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन शो करेगा। क्वालिटी फैक्टर बताना है आपको इन दोनों केसेस में, केस फर्स्ट केस सेकंड में कौन ज्यादा क्यू फैक्टर रखेगा, सोचे, क्लियर? कौन रखेगा, देखो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, दोनों का मास सेम, तो दोनों का मास सेम, एम सेम, अब ये के, यहां के क्या आएगा, यहां स्प्रिंग तो नहीं है तो यहां के क्या आएगा, अब इसमें हम यहां से ना देख के डायरेक्ट ओमेगा नोट पे बात करते हैं, क्योंकि ओमेगा नोट मैं जानता हूं दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि एल सेम है, टाइम पीरियड होता है टी बराबर टू पाई रूट एल बाई जी, टी बराबर टू पाई रूट एल बाई जी, इसमें के की बात किया जाए तो वो आता है एम जी, जो मुझे याद आ रहा है, इसमें के आता है एम जी बाय एल,
एम जी बाई एल आता है इसमें के, फिर हम एम ऊपर रखते हैं, एम नीचे रखते हैं, एल ऊपर चला जाता है। इसमें के, अगर आप ये के टर्म, ये के क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट, एक्चुअल में ये फोर्स कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, फोर्स कॉन्स्टेंट ही स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बराबर आ जाता है, तो ये फोर्स कॉन्स्टेंट है, तो दोनों का फोर्स कॉन्स्टेंट क्या आएगा, एम जी बाई एल, वो सेम है, यानी के सेम, एम सेम, तो किस पे आई बात, बी पे। अब बी क्या है, यानी रूट के बाई एम दोनों के लिए सेम है, समझे मैंने क्या बोला, ये के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और पेंडुलम के लिए फोर्स कांस्टेंट होता है एम जी बाई एल, चेक करके देख लेना। तो यानी ऊपर जो लिखा हुआ है रूट के बाई एम दोनों के लिए सेम है, रूट के एम दोनों के लिए सेम है, बाय बी, ये बी क्या है, डैम्पिंग कोफिशियंट, यानी ड्रैग फिनोमिना किस में इफेक्टिव है, उसका बी बड़ा होगा, किस में इफेक्टिव है ड्रैग फिनोमिना, ड्रैग फिनोमिना क्या होगी, कि जो एयर के साथ कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन कितने एरिया के साथ हो रहा है, एयर के साथ कोलिजन कितने एरिया के साथ हो रहा है, समझे ना क्या बोला मैंने, एयर के साथ कोलिजन कितने एरिया के साथ हो रहा है। अब अगर मैं इस स्फीयर को इधर से देखता हूं तो एरिया क्या नजर आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेम है, इसके लिए भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो बेटा बी भी सेम है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों अरेंजमेंट को आप समझे ना, इसका सरफेस ऐसे है और ये तो स्फीयर है, अगर इन दोनों को आप एसएचएम कराते हो एयर में, तो ये केस हो जाएगा अंडर डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन का, और ये दोनों सेम इंस्टेंट तक ऑसिलेटरी मोशन प्रदर्शित करेंगे। आई बात समझ में, अब मैं इसमें एक चेंज करने जा रहा हूं, वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि यदि इसमें मैं इस बार इसका जो सरफेस है, इसका जो सरफेस था डिस्क का, वो इसके मोशन के परपेंडिकुलर था, समझे ना, सरफेस कैसे है इसमें, ऐसे, अब की बार मैं डिस्क का सरफेस ऐसे रख देता हूं, तो मुझे डिस्क भी कैसी नजर आएगी, ऐसी जैसे स्फेयर है, स्फेयर तो हमेशा ऐसे नजर आएगा, चाहे उसको घुमा भी दो आप तब भी कैसे नजर आएगा, फ्रंट से वो ऐसे ही नजर आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, इसका मास एम, इसका मास एम, कौन है ये, डिस्क, रेडियस आर, मास एम, रेडियस आर, ये है सॉलिड स्फेयर, अरेंजमेंट कौन है, एयर, सॉरी एजेंट, ड्रैग एजेंट कौन है, एयर, दोनों ही केस में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ एक चेंज किया कि इसके सरफेस को मैंने ऑसिलेशन वाले प्लेन में रख दिया, पहले सरफेस परपेंडिकुलर था, अब ऑसिलेशन के प्लेन में है इसका सरफेस। अब आप ये पाएंगे कि जो कोलिजन होगा एयर के साथ वो इसकी थिकनेस का होगा, एक लाइन का, अगर मैं इसको इधर से देखता हूं तो मुझे लाइन नजर आएगी 2R लेंथ की, इसका डायमीटर 2R लेंथ की एक लाइन नजर आएगी, जिसकी थिकनेस इस डिस्क की थिकनेस के बराबर होगी, और ये अभी भी कितना एरिया टकराएगा, पाई आर स्क्वायर, एयर के साथ जब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो बेटा आपको क्या लगता है कौन जल्दी रुकेगा, ये जल्दी रुकेगा, इसके लिए बी बड़ा आएगा, इसके लिए बी बड़ा आएगा, और इसके लिए बी रिलेटिवली छोटा आएगा, इसको नाम दे देता हूं मैं बी सेकंड केस है ना, और ये फर्स्ट केस B2 B1, हमेशा अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका बी बड़ा आएगा, इसलिए ये क्वालिटी फैक्टर कम रखेगा, किससे, वन से, इसका क्वालिटी फैक्टर बढ़ाएगा क्योंकि इसका बी छोटा आएगा, याद रखना ये बात, समझ में आया किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें, क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसमें, मेंस में और नीट में, तो अभी के लिए इतना ही।